आज मैं आपके सामने एक गुजराती डिश बना रही हूँ जिसका नाम है थेपला। ये आप 10-15 दिन के लिए बना के भी रख सकते हैं, जैसे कहीं सफर के लिए जा रहे हैं या कहीं आ रहे हैं। ये हमारा गेहूं का आटा है। अब इसमें जितना गेहूं का आटा लेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा बेसन लेंगे। हमारे मसाले जाएंगे, गेहूं का आटा, बेसन, थेपले कई तरह से बनते हैं। अभी सर्दियों का सीजन है तो मेथी बहुत अच्छी आ रही है बाजार में, तो आज हमारी मम्मी मंडी गई थी तो वहां से मेथी लाई है, इसलिए मैंने सोचा आज आपके सामने मेथी का ही यूज करके कोई डिश बनाई जाए। ये अजवाइन, हल्का सा जीरा, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बेसन में हींग तो जाती है, इसके बिना तो इसका कोई स्वाद ही नहीं होता है। इसमें हल्का सा देसी घी जाएगा। नमक, इसको आपस में ऐसे मसल लीजिए। ये जितने भी मसाले, आटा, बेसन जो भी है वो एक दूसरे में रम जाना चाहिए। अब इसमें ये हरी हरी हमारी कटी हुई मेथी जाएगी। आप चाकू से भी काट सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, चॉपर से भी कर सकते हैं, मैंने तो चाकू से ही काट लिया बारीक। इसका आटा ना तो ज़्यादा गर्म मड़ेगा ना ही ज़्यादा लूज, इसको बीच कर रखेंगे। और इसमें हमने घी डाला है, इसको थोड़े गुनगुने पानी से मारेंगे आटे को। गाइस ये वाला आटा आप इस वाले स्टेप से मारना कि मेरी इस उंगली में ये देखिए चोट लगी हुई है, इसलिए मैं आटा अच्छी तरह से गूंद नहीं पाती। जब हमारा आटा ये इस रूप में आ जाए तो इसमें हल्का सा तेल लगा के रख देंगे रेस्ट के लिए। ये देखिए हमारा आटा बनके तैयार हो चुका है, आपको दिख रहा है? मैं दिखाती हूँ, ये चिपक नहीं रहा ना बिल्कुल भी उंगली में। पहले मैं एक छोटा सा गाय का बनाती हूँ। ये मेरा लोहे का तवा है और आप लोहे के तवे पे ही बनाइए तो ज्यादा टेस्टी बनता है। इस तरह से लोई बनाने से जो हमारी ये साइड में किनारियां फट जाती है ना वो नहीं फटती हैं। ऐसे जो नए लोग होते हैं या वैसे उनकी रोटियां फट जाती है ना। आप इसको देसी घी से सेकना चाहें या सरसों के तेल से, किसी से भी आप सेक सकते हैं। सूखे आटे की जब जरूरत हो तभी लगाएं वरना ना लगाएं। इसमें आप जितना सूखा आटा कम लगाएंगे ना उतना ही अच्छा बनेगा। Thank you.
ना मोटा है ना पतला है, देखिए सारी इसके किनारे देखिए, इसको हम से आपको अपने मन के ऊपर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारी एक गुजराती व्यंजन बनके तैयार है। इसको आप कच्चे पपीते की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप कच्चे पपीते की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, मिर्च फ्राई करके भी इंजॉय कर सकते हैं। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए।